हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गर्मियों में टैनिंग को कैसे रिमूव करें और किन चीज़ों का यूज़ करें जिससे गर्मियों में टैनिंग ना हो। और गर्मियों में स्किन जो है ऑयली नज़र आती है, जिसकी वजह से स्किन प्रॉब्लम्स जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार पिंपल्स और मुहासे के निशान चेहरे से हटते नहीं हैं। इनको हटाने के केमिकल प्रोडक्ट्स की बजाय घरेलू उत्पादकों का अगर आप यूज़ करेंगी, मतलब घरेलू जो होम रेमेडिक्स है उसका उपयोग करेंगी तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो हार्म नहीं करता है। और केमिकल बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो स्किन को हार्म करती हैं। इस वीडियो में आपको कुछ होम रेमेडिक्स बताने वाली हूँ कि वजह से पोर्स में जमी गंदगी को हटाया जा सकता है और एक्ने और पिंपल्स के जो निशान चेहरे पे रह जाते हैं, जिससे जो हटते नहीं है उनको भी हटाया जा सकता है। तीसरा जो है टैनिंग को भी रिमूव किया जा सकता है, इससे आपकी तो स्किन जो है निखरने लगेगी अगर आप उसका रेगुलर यूज़ करती हैं तो। शहद हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और ये स्किन साफ रखने के लिए भी बहुत मददगार है। शहद जो है एक्स्ट्रा ऑयल को भी कम करने में मदद करती है। आप थोड़ा सा शहद ले, उसे फेस पे लगा ले, लगाने के बाद उसे सर्कुलर मोशन में मसाज करें और नॉर्मल पानी से धो दे। शहद हमारे पोर्स को बंद करने का भी काम करती है, इनमें से डेड स्किन को भी हटाती है और स्किन में कोलेजन की मात्रा को बढ़ा देती है। दूसरा जो है दही है। दही जो है हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए एक रामबाण का काम करती है। ये जो है हमारी स्किन के लिए नेचुरल क्लिंजर का काम करते हैं। इसमें लेटिक एसिड और बायोटिक बैक्टीरिया होता है जो हमारे पोर्स को बंद करने में मदद करती है। दही के द्वारा एक्ने के जो निशान होते हैं, एक्ने और पिंपल के, उसको भी हटाया जा सकता है इसका रेगुलर इस्तेमाल से। दही को भी आपको लगाना है और सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, उसके बाद पानी से धो देना है। तीसरा जो है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडे को आप इस्तेमाल आप पोर्स की गंदगी को साफ़ करने में कर सकती हैं। बेकिंग सोडा जो है डीपली पोर्स के अंदर जाके गंदगी को साफ़ करने का काम करता है। थोड़ा सा गर्म पानी ले, उसमें बेकिंग सोडा मिला के पेस्ट बना के 30 सेकेंड के लिए अपने फेस पे लगाए और वही सर्कुलर मोशन पे मसाज करे। मसाज करने के बाद नॉर्मल पानी से धो दे। पोर्स की गंदगी को साफ़ करने में बहुत मदद करती है और हमारी स्किन को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बनाती है, जिससे जो है हमारे पोर्स बंद हो जाते हैं और स्किन एकदम निखरने लगती है। और ये जो तीन चीज़ें हैं वो हमारे किचन में अवेलेबल होती हैं, तो इस तरह से आप गर्मियों में अपनी स्किन से टैनिंग को रिमूव कर सकते हैं, ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो गर्मियों में आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा ऑयल बनता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, पिंपल्स और एक्ने के जो निशान हैं उसको भी हटा सकते हैं इन तीन चीज़ों का इस्तेमाल करने से। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।